अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरीदी टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, कल जो लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे, तहरीक लबैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हैं बातें कर रहे थे, आज वही मानने पर मजबूर हो गए और ख़ुद ही कह रहे हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है आने वाले 2023 के इलेक्शन में बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, आइए वो वीडियो देखते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि जागो, ये आई ओपनर है। आप तीनों वहां जो हारे हो और मौलाना साहब जीते हैं, और नून तो फारग हो गई, पीपल्स पार्टी ने तो एक दो सीटें ली वो भी फारग हो गई। इसी तरह फैक्टर अब अगर ये चली हवा तो टीएलपी पंजाब में आपके साथ क्या करेगी और फिर क्या होगा, ये आप सारे जब आप स्पेस क्रिएट छोड़ते हैं ना खाली तो फिर स्पेस फुल करती है। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? ये वो इमरान खान हमारे नहीं है जो 22 साल अपोजिशन में। इमरान खान रियासत मदीना बना रहे हैं। इमरान खान मजहब कार्ड बड़ी खूबसूरती से खेलते हैं। इमरान खान मजहबी इमोशनल से कर रहे हैं, और जब मजहब पे आप आके आप सारी अपनी रखते हैं, इमरान खान के किधर गए वो प्रोग्रेसिव? इमरान खान भी मजहबी कार्ड खेल रहे हैं तो फिर मौलाना ने कैसे खेल लिया मजहबी कार्ड? इसी वजह से तो कह रहा हूं कि जब इमरान खान साहब किसी और की ग्राउंड पे किसी और की बॉलर के आगे खेलेंगे तो टीएलपी और मौलाना साहब उनको हराएंगे। इमरान खान की आपकी अपनी स्ट्रेंथ थी। अच्छा, दो तीन जुमले। नंबर आपने कहा ना, वो तो बहुत सारी वजूहत। नंबर वन, अब मुझे खुदा का खौफ, किसी ने महमूद खान ने? नाज़रीन, इस हवाले से आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देनी है। अल्लाह हाफिज।